हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ज्यादा दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज अभी चल रहे हैं नवरात्रे एंड संदीप मुझे लेके आए हैं एक डांडिया पार्टी में। फाइनली उनको थोड़ा सा टाइम मिला एंड अवेलेबल थे तो मेरे को लेके आए, उन्होंने पूछा। तो बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं एंड मैंने इस तरह से अनारकली वाली कुर्ती पहनी है। अच्छा हाँ, पहले पिज्जा खिलाओगे? तो पहले हम खाएंगे पिज्जा, फिर हम जाएंगे वो डांडिया पार्टी में। क्या है पता नहीं, पहली बार संदीप इस तरह की मुझे एक्टिविटी में लेके आए हैं, मैं भी कभी गई नहीं हूँ। लाइट नहीं आ रही है आपको? यार लाइट तो इसकी कार की भी नहीं चलती है ना, मैंने खराब कर दी थी तो इस वजह से। तो पहले हम खाएंगे पिज्जा अनलिमिटेड पिज्जा पे एंड उसके बाद जाएंगे ये डांडिया नाइट में। तो जो भी होगा, छोटा बड़ा जैसा भी प्रोग्राम होगा, मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम आए अनलिमिटेड पिज़्ज़ा में, सत्कार के नाम से रेस्टोरेंट है ये। मीन्स इन लोगों ने मिक्स करके एक ही रेस्टोरेंट खोल रखा है, बिल्कुल सेंट जॉन्स चौराहे पे, जो लोग आगरा वाले हैं उन्हें पता होगा। एंड यहाँ आते ही शौर्य की डिमांड शुरू हो गई फॉर दी आइसक्रीम एंड वो लोग भी बोल रहे हैं आप प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए तो टाइमली आ जाएगा। मैंने कहा भी रुक जाओ भैया, पहले थोड़ा बैठने तो दो। संदीप का पार्क करने गए क्योंकि ऑन रोड है ये, तो थोड़ी जगह देके पार्किंग करनी पड़ी। काफ़ी वेराइटी ऑफ आइसक्रीम थी तो शौर्य को हमने सबसे पहले आइसक्रीम दिलाई, उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आया सो दैट वो शांति से बैठा रहा है। तो हमने वहाँ पे हम कुछ ऑफर भी था तो उस हिसाब से हमने यहाँ लिया था। कितनी देर से वेट हो रहा था इसका? कोई बात नहीं, बहुत सारा है, खा लो, उसके माइंड में मत आने देना। बस क्या पी रहे हो? ये पियो, नॉटी बॉय। फोक एंड स्पून। यहाँ के पिज्जा में एक डिफरेंट चीज ये थी कि ये सर्कल नहीं स्क्वायर शेप में थे एंड इनका जो क्रस्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत हैवी क्रस्ट नहीं था। मीन्स मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी क्योंकि नाम था अनलिमिटेड पिज़्ज़ा, तो इट वाज जस्ट ओके, नॉट वेरी गुड। जैसे डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट का होता है ना, उनके कंपैरिजन नहीं था, बट टेस्ट वाइज इट्स ओके। एंड गर्मा गर्म खाओ तो टेस्ट अपने आप ही अच्छा लगता है जब चीज़ी चीज़ी आता है। तो बस अब हम लोग अपना पिज़्ज़ा इन्जॉय कर रहे हैं, एक हमने ले लिया है, दूसरा हमने साइड से रख दिया है। एंड शौर्य अपनी आइसक्रीम खा रहा है, उसके साथ साथ जो पिज़्ज़ा के थोड़े साइड वाले होते हैं जहाँ पे वेजीज कम चीज़ ज़्यादा होता है, वो वाला पोर्शन मैं उसे दे देती हूँ, सॉस से डिप करके थोड़ा सा वो भी खा लेगा। तो इसी तरह से बच्चों को थोड़ा सा बहला के हल्का फुल्का खिलाना पड़ता है। बाकी अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ स्नैक्स होगा तो वहाँ से भी इसको खिला देंगे।
सुजान्स, मैं चाहती हूँ कुछ प्रिया हमारी ब्यूटीफुल प्रिटी गर्ल्स प्लीज कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सम विल बी हियर ऑन द राइट हैंड साइड. हमारे रॉकर्स, हमारे सिंगर्स, परफॉर्मर्स आप ही के लिए हैं एंड दे विल ऑल सिंग फॉर यू. ये लेनी है. सो रेडी? ये ठीक लग रही है, ये ठीक लग रही है. रेडी, 1 2 कोई भी ले लो. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ. अभी मैं बहुत रश में हूँ, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, बट तभी मैंने मैनेज किया है. मैं जा रही हूँ शौरी के स्कूल में, आज फैंसी ड्रेस है, उसको मैंने भेज दिया है. वहाँ से उसकी नानी को बोल दिया था कि आप देख लेना, जब तक मैं नहीं आती हूँ. पेरेंट्स को रहना ज़रूरी था, संदीप ऑफिस थे, मैं घर, क्योंकि मेल वगैरह देखना होता है, खाना बनाना था संदीप का. एंड अभी मेरी मम्मी भी नहीं, मतलब सास मेरी थी नहीं, तो वो एक्स्ट्रा काम भी मुझे थोड़ा करना था और नीचे काम, ऊपर काम, सब कुछ देखना था. तो अब 10:30 बज रहे हैं, मैं जाके फाइनली निकल रही हूँ. मेड से मैंने काम जल्दी निकला लिया है, खाना वाना सब बन चुका है, तो जल्दी से निकलते हैं. वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ कि मैंने शौर्य को क्या पहनाया है. इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बोलने की. कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. शौर्य का भी टर्न आएगा, तो अब आप ये चीज़ को इंजॉय कीजिए. नमस्ते. अरे रे, इस बेचारे को कितना बोझ, सारा पोल्यूशन इसी पे आ गया. क्या बोलना है आपको? मम्मा ने क्या बताया आपको? पेड़ बचाओ, मम्मा ने सिखाया ना, पेड़ बचाओ. फिर से बोलो. वेरी नाइस, वेरी गुड. से थैंक यू, थैंक यू बोलो बेटा. मैं
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये इवेंट भी ख़त्म होता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो स्कूल के ग्रुप में डाली थी जब बच्चों को तैयार करके बिठा दिया था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहीं मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ये देखिए सारे बच्चे कितने उससे बैठे हैं एंड अपने अपने टर्न्स का वेट करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय। कोशिश करूँगी रेगुलर रहने की, तो स्टे कनेक्टेड।